सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज का वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कि बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो नीचे कमेंट करते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी हमेशा काफी सारे जो है क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं जहां उन सभी क्वेश्चंस का मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, उनके मैं आपको जवाब दे पाऊं जो कॉमनली ज्यादातर जो है हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उन सबका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ दोस्तों टाइम की वजह से, लेकिन मैं सभी आपके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को भी मैं हमेशा रीड करता हूँ अच्छे से, और कई बार मैं उनके बेसिस पर ही, ज्यादातर उनके बेसिस पर ही मैं अपना अगला वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। लेकिन हर बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आज ये वीडियो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया ताकि उन सभी सवालों का मैं इस वीडियो में कुछ कुछ जो है आपको जवाब दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और मैं पढ़ता हूँ कि क्या क्या जो है सवाल आए हैं। मैंने कुछ रैंडमली जो है फ्रेंड्स उठा लिए हैं क्वेश्चंस। तो ये एक हर्ष पुलामी जी हैं, ये कह रहे हैं थैंक यू सर जी, और एक चीज बता दीजिएगा फोटो एडिटिंग के लिए मॉनिटर 4K बेस्ट रहेगा कि नॉर्मल HDR मॉनिटर। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट 4K का है तो आप 4K ले लीजिए, अगर आपके पास नॉर्मल मॉनिटर है तो वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी मॉनिटर आप यूज कर रहे हो फोटो एडिटिंग के लिए वो मॉनिटर जो है कैलिब्रेटेड हो। कैलिब्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ट्रू कलर्स, यानी कि सही कलर्स देखने के लिए आपको मॉनिटर को कैलिब्रेट करना जरूरी है। और अगर आपको नहीं पता मॉनिटर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं तो मैंने ऊपर कार्ड लगा दिया है, आप सीख लीजिए कि मॉनिटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है सही कलर्स के साथ। तो जो भी बजट है 4K का है तो 4K ले लीजिए, नॉर्मल मॉनिटर है तो नॉर्मल मॉनिटर ले लीजिए, बस कैलिब्रेट जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है ये मुझे पूछा है कमल इंसान जी ने, ये कहते हैं कि सर ज्यादा मेगापिक्सल की डिसएडवांटेज क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। तो कमल साहब और सभी फोटोग्राफर्स को मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा मेगापिक्सल का वैसे तो ज़्यादातर एडवांटेज ही होता है क्योंकि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे उतनी डिटेल आपकी इमेज में कैप्चर होती है। लेकिन जो दोस्तों डिसएडवांटेज होता है ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा का वो यही होता है, क्योंकि अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करें और आपका मेगापिक्सल 25 मेगापिक्सल से ज़्यादा का कैमरा है और आप हैंडहेल्ड शूट करते हैं तो क्या होता है कि ज़रा भी आपका हाथ जो है अगर शेक हो गया तो आपके इमेज को ब्लर होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये प्रॉब्लम जो है अक्सर उन लोगों के साथ आती है जो D800 या D810 कैमरा बॉडी यूज करते हैं स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी में, या फिर जिनके पास कैनन का 5DSR मॉडल है 50 मेगापिक्सल वाला, या फिर निकॉन D800E आप यूज कर रहे हैं 36 मेगापिक्सल वाला। तो जितने ज्यादा मेगापिक्सल होते हैं वहां पे मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडियो एनवायरनमेंट में आप हमेशा ट्राइपॉड यूज कीजिए। तो जब अगर आप हायर मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कैमरा बिल्कुल भी शेक नहीं होना चाहिए, बाकी तो ज्यादा मेगापिक्सल के आपको हमेशा एडवांटेज ही मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो क्वेश्चन लिया है ये है कमलेश जैन साहब हैं, इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है कि सर एंट्री लेवल DSLR में अगर कोई महंगा लेंस लगाए तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि लेंस जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फोटोग्राफी में। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका लाइटिंग गियर फोटोग्राफी में, क्योंकि लाइट इज एवरीथिंग इन फोटोग्राफी। जो नंबर 2 है वो है आपका लेंस और जो नंबर 3 है वो है आपकी कैमरा बॉडी। तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छा लेंस एक नॉर्मल ठीक ठाक कैमरा बॉडी पे भी लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे लेंस का एडवांटेज जरूर मिलता है, आपकी इमेज क्वालिटी जो है वो हमेशा आपको बेटर मिलेगी। तो ध्यान रखिए कि लेंस जो है वो आप हमेशा अच्छा खरीदें दोस्तों, लेंस से बहुत फर्क पड़ता है आपकी इमेज क्वालिटी पे। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो पूछा है अगला ये है लेंस मैनिया फोटोग्राफी ने, ये कह रहे हैं कि सर कैन आई यूज ग्रे कार्ड इन आउटडोर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। बिल्कुल, आप आउटडोर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जो है ग्रे कार्ड यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता ग्रे कार्ड क्या होता है मैं बता दूं, ग्रे कार्ड यूज किया जाता है व्हाइट बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। अगर आपको व्हाइट बैलेंस को कैसे करेक्ट करना है थ्रू ग्रे कार्ड आपको देखना है तो मैंने ऊपर एक कार्ड लगा दिया, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, वहां आप सीख पाएंगे कि ग्रे कार्ड से कैसे यूज करके जो है आप अपना व्हाइट बैलेंस एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, आप आउटडोर के अंदर बिल्कुल ग्रे कार्ड यूज कर सकते हो अपने व्हाइट बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। अब जो अगला सवाल पूछा है वो पूछा है विशाल राठौड़ ने, ये कहते हैं कि हेलो सर मेरे पास एक संगीत की हार्ड डिस्क है 1 TB की, वो रिकवर करवाना है,
कोई सस्ता और अच्छा ऑप्शन बताएं, बहुत परेशान हो गया हूँ, पुणे तक दिखा ली है, थैंक्स। देखिए भैया ऐसा है, ये प्रॉब्लम मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले फेस की थी, मेरी भी हार्ड डिस्क नीचे गिर गई थी। सो डेटा जो है उसका आप मल्टीपल बैकअप बना के रखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक डेटा की कम से कम दो कॉपी रखिए अपने पास, ताकि एक हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो दूसरी हार्ड डिस्क में वो डेटा आपका सेव रहे। अब चूंकि आपका डेटा खराब, आपकी हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है, तो उसका एक ही ऑप्शन है, आप गूगल पे जाइए और जिस भी शहर में आप रहते हो या आप किसी बड़े शहर के आसपास रहते हो या बड़े शहर में रहते हो, वहां पे आप जो है टाइप कीजिए गूगल में डेटा रिकवरी के बारे में, वहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुंबई में मैं रहता हूँ, यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप टाइप कीजिए, अगर आप मुंबई आ सकते हैं तो मैं आपकी जरूर हेल्प कर दूंगा। और यहाँ पर आप दिखाइए, अगर आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत डैमेज नहीं हुई है तो डेटा रिकवरी के 95% चांसेस होते हैं कि आपका डेटा जो है रिकवर हो जाएगा। और अगर आपकी हार्ड ड्राइव काफ़ी डैमेज हुई है तो वो लोग टेस्ट करते हैं, उसमें शायद एक या दो दिन लगता है, वो देखते हैं कितने जो बैड सेक्टर्स कितने नहीं, कहाँ कहाँ डेटा जो है करप्ट हो चुका है, तो वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, बाकी का डेटा आपका रिकवर हो जाएगा। आप निराश बिल्कुल मत होइए दोस्त, हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो आप एक बार मुंबई अगर आ सकते हैं तो आप आइए, मुझे कॉल कीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों कुछ व्हाट्सएप पे लोगों ने भेजे हैं मुझे सवाल, तो मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। अब ये नंबर से आते हैं दोस्तों, एक्चुअली यहाँ मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो नंबर आता है व्हाट्सएप में उनका, मेरे पास नंबर नाम उनके सेव नहीं है। तो ये किसी ने पूछा है कि सर पोर्ट्रेट लेंस 50 mm, अगर मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता हूँ तो पोर्ट्रेट लेंस में 50 mm का लूँ या 85 mm का। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 85 mm का लेंस लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप नॉन फुल फ्रेम बॉडी है तो फिर 50 mm का लेंस भी बहुत अच्छे से काम करेगा आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। तो आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं तो दोनों ही लेंस अच्छे हैं, 50-85 mm, आप अपने कैमरा बॉडी के हिसाब से लेंस को चुन सकते हैं। उसके बाद जो है एक ये सवाल आया है कि सर मुझे बैकग्राउंड, आपने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आपने 9x36 के बैक रोल्स दिखाए हैं, ये मुझे कहाँ मिलेंगे? देखिए दोस्तों ये बैक रोल्स मुंबई के अंदर जो फोटोग्राफी मार्केट है आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। जो सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स आते हैं वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अमेजोन पे ट्राई कीजिए, वहाँ भी आपको डिलीवरी हो जाएगी, तो इतना मुश्किल नहीं है। और जो कॉस्ट है इसकी, ये भी करीब आपको बैठता है 4,500 से 6,500 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द कलर। तो ये बैकग्राउंड इजीली अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला सवाल जो है दोस्तों ये मुझे पूछा है कि सर निकॉन D850 कैमरा लूँ या फिर कैनन 5D Mark IV। देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही टफ सवाल है, आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि निकॉन लेगी कैनन लूँ। देखिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, निकॉन हो या कैनन दोनों ही बहुत ही बेहतरीन ब्रांड्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे कैमरा हैं। आपने जो सवाल किया है उसमें कैनन 5D Mark IV बहुत अच्छा कैमरा है और निकॉन D850 जो है वो लेटेस्ट कैमरा है, तो अगर आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है तो मैं आपको बोलूँगा आप निकॉन D850 लो, वो ज़्यादा बेटर फीचर्स के साथ में आया है। और कैनन 5D Mark IV खराब कैमरा बिल्कुल नहीं है, वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास लेंसेज ऑलरेडी कैनन के हैं तो फिर आप कैनन 5D Mark IV ले लो, और अगर लेंसेज आपके पास में निकॉन के हैं तो फिर निकॉन D850 आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और अगर आप दोनों ही लेंसेज आपके पास नहीं है या आप बिल्कुल नया खरीदना चाह रहे हैं सारा सिस्टम, तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप निकॉन D850 लो, वो ज़्यादा बेटर कैमरा है, बेटर फीचर्स के साथ में है, क्योंकि एक बार आप कैमरा बॉडी लेते हो कम से कम 3-4 साल तो हम उसे यूज़ करते ही हैं। अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, ये सवाल जो है किसी ने पूछा है कि सर मुझे फैशन फोटोग्राफर बनना है, मैं उसके लिए क्या कहीं पर ट्रेनिंग लूँ या कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करूं या मैं यूट्यूब चैनल देख के सीख सकता हूं? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो अगर आप यूट्यूब चैनल देखते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं तो बिल्कुल आप अपनी खुद अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास में समय है सीखने का स्कूल या कॉलेज में जाके फोटोग्राफी सीखने का, स्पेशली फैशन फोटोग्राफी, तो आप वहां जाके भी जो है उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ सिखाई जाती है, तो उसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में समय नहीं है या आप किसी दूसरे शहर से, दूसरे शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं और बड़े शहर में आपको जाने में प्रॉब्लम है जहाँ पे इस तरह की पढ़ाई होती है,
तो भी यूट्यूब आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारा चैनल हमने इसीलिए बनाया ताकि आप घर बैठ के सीख सकें। हमारे अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं फोटोग्राफी के, वहाँ भी आप सीख सकते हैं। अगर आपने सीखने की लगन है दोस्तों, आप कहीं से भी बैठ के जो है अपना जो है फोटोग्राफी को, आप फैशन फोटोग्राफी सीख ही जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पैशन के साथ में सीखना है और जो भी आप वीडियोस देखते हैं उसको आप प्रैक्टिस में लेके आइए, तब जाके आपकी फोटोग्राफी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो अगला एक सवाल बड़ा अच्छा जो है, ये इन्होंने पूछा है कि सर फोटोग्राफी बिजनेस प्लान के बारे में एक वीडियो बनाइए, आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लेकिन ये नहीं बताया फोटोग्राफी का बिजनेस प्लान कैसे होता है। तो ज़रूर इसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे फोटोग्राफी के बिजनेस प्लान की, यानी कि फोटोग्राफी एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस ही है दोस्तों। और आप कितने भी अच्छे फोटोग्राफर हो, अगर आपको इसका बिजनेस करना नहीं आता तो डेफिनेटली आप अच्छी इनकम जो है वो आप जनरेट नहीं कर पाओगे। तो जल्दी हम इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम बात करेंगे फोटोग्राफी बिजनेस प्लान की और आपको सिखाएंगे कि अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो फोटोग्राफी बिजनेस है वो काफी आगे से तेजी से जो है आगे बढ़ने लगेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। एक सब्सक्राइबर है हमारे, इन्होंने पूछा है कि सर आपके पास में जो है कौन सा कैमरा है और कौन कौन से लेंसेज हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर वीडियो में बताता रहता हूँ, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास में जो कैमरा है वो है निकॉन D800E फुल फ्रेम बॉडी है, और मेरे पास जो लेंस है दोस्तों वो है 85mm 1.4G लेंस। एक लेंस मेरे पास वाइड एंगल जूम है 24-70 f/2.8, एक मेरे पास लेंस है दोस्तों 80-200 f/2.8, काफ़ी पुराना लेंस है, और एक लेंस जो है मेरे पास में है निकॉन 105mm 2.8 मैक्रो लेंस। तो फिलहाल मैं इस सेटअप के साथ अभी काम कर रहा हूं और मेरा फैशन फोटोग्राफी का काम इस पे हो जाता है। तो मैंने अभी अपना नया कैमरा भी अपग्रेड नहीं किया है, हो सकता है जल्दी अपग्रेड करूं, बट फिलहाल मेरे पास यही सेटअप है। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये मुझे पूछा है कि सर एक एक्सपेंसिव स्ट्रोब लाइट और एक चीप सस्ती स्ट्रोब लाइट में क्या फ़र्क होता है, क्या लाइट क्वालिटी दोनों में अलग अलग होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, ये मैंने पहले भी एक दो बार वीडियोस में बताया है कि जो अच्छी लाइट्स होती है यानी कि जो महंगी स्ट्रोब लाइटिंग होती है, स्पेशली स्टूडियो के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके एक अपने अलग एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आपको जो है उसका फ्लैश ड्यूरेशन जो है बहुत शॉर्ट होता है, तो आप जो है इमेजेस बहुत अच्छे से क्लिक 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 आप फटाक से आप कोई भी शॉट मिस नहीं करते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये होता है कि उसमें आपको कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है, यानी कि फर्स्ट शॉट टू लास्ट शॉट जो उसके कलर होते हैं वो स्टेबल होते हैं एकदम, जो है आपको कहीं भी वेरिएशंस नहीं मिलेगा। और जो चीप लाइट होती है वहाँ पर काफ़ी सारा कैल्विन जो है स्विच ओवर करता रहता है, ऊपर नीचे जाते हैं, कलर की जो है वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती है जो सस्ती लाइट होती है। तो डेफिनेटली जो एक्सपेंसिव स्ट्रोब लाइट्स हैं उनके अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर आपके पास में फिलहाल अगर बिगनर फोटोग्राफर हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप इतनी महंगी लाइट्स खरीदें, आप एक ठीक ठाक जो लाइटिंग सेटअप है उस पर आप अपनी फोटोग्राफी शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है इन्होंने कहा है कि सर वेडिंग फोटोग्राफी में ज़्यादा पैसा है या फैशन फोटोग्राफी में या फिर फोटो जर्नलिज्म में या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, तो सर आप बताएं किस में ज़्यादा पैसा है तो मैं उसी हिसाब से जो है फोटोग्राफी सीखना शुरू करूँ। तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए पैसा जो है वो सभी फील्ड में अच्छा है, लेकिन आप पैसे पे बिल्कुल अभी ध्यान मत दीजिए, आप ये सोचिए कि आपको किस तरह की फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप ये सोच के शुरू करेंगे कि यार पैसा इसमें ज़्यादा है तो मैं इसमें जो है इस फोटोग्राफी को सीखना चालू करता हूँ, यहाँ पर जो मेन बात यह है कि क्या आपको फोटोग्राफी करना पसंद है। पहली चीज़ तो यह है, अगर आपको फोटोग्राफी करना पसंद है तो आप फोटोग्राफी को सीखिए। अब कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो, फैशन हो या वेडिंग हो, सभी में बहुत पैसा है, बहुत अच्छा है। अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं तो सभी में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के शुरू करेंगे कि जिसमें ज़्यादा पैसा होगा मैं वो चीज़ सीखूं, तो फिर दोस्तों आप मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्टकट लेने का कोशिश कर रहे हैं तो वो ठीक अप्रोच नहीं होगी। आप देखें आपको किस तरह की फोटोग्राफी में ज़्यादा पैशन है, उसी फोटोग्राफी के अंदर आप आगे बढ़िए, उसी पे आप अच्छा, देखिए ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको जो भी जिस तरह की फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है आपको उसमें मास्टरी होनी चाहिए, आप उसके अंदर आपको हर चीज़ आनी चाहिए, जो भी बेस्ट आप कर सकते हो आप उसमें करो, फिर वो चाहे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो या फैशन हो या वेडिंग फोटोग्राफी हो। सो आप मेरी बात समझ गए होंगे, आपको आंसर भी मिल गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है दोस्तों
ये मुझे पूछा है, ये मुझे पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो बजट है वो अभी लिमिटेड है क्योंकि मैं एक बिगनर फोटोग्राफर हूँ। आई वॉन्ट टू बाई ओनली वन लाइट, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी लाइट मैं लूँ? देखिए ये बड़ा आंसर करना डिफिकल्ट है, मुझे नहीं पता कि आपका क्या बजट है। लेकिन जैसा कि आपने बताया आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं और आपका बजट भी अगर लिमिटेड है, आई डोंट नो लिमिटेड बजट भी आपका कितना लिमिटेड है, बट मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बगैर लाइट खरीदे भी आप, मेरे ख्याल से अगर आप बिगनर फोटोग्राफर हैं तो आप पहले नेचुरल लाइट में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ पे जो है आप नेचुरल लाइट में अपने हाथ को अच्छे से साफ कीजिए और आप देखिए कि आपका नेचुरल लाइट में कितना अच्छी आप पिक्चर्स को ले पा रहे हैं। अगर आप नेचुरल लाइट में बहुत अच्छी पिक्चर शूट कर पा रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद जो है आप एक लाइट लीजिए भले ही, लेकिन आप उस लाइट के अंदर आप अच्छा पैसा डाल के आप बढ़िया लाइट लीजिए, चाहे आप एक लाइट लें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लाइटिंग इज एवरीथिंग इज फोटोग्राफी। तो अगर आप एक लाइट अच्छी भी लेंगे तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं जो सिर्फ एक लाइट पर मैंने शूट किए हैं, आप वो वीडियोज़ को देखिए, आपको आइडिया आएगा आप किस तरह के रिजल्ट उस पर निकाल सकते हैं। सो आप एक लाइट लीजिए बट अच्छी लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत महंगी लाइट लीजिए या बहुत सस्ती लाइट लीजिए, बट आप एक अच्छी लाइट लीजिए जो थोड़ी बहुत महंगी ना हो लेकिन सस्ती भी ना हो, बीच की एक अच्छी लाइट हो। और ब्रांड्स बहुत सारे हैं आज, हर ब्रांड्स में, चाहे वो एलिन क्रोम हो, गॉडॉक्स हो, प्रो फोटो हो, ब्राउन कलर हो, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे अपने बजट के हिसाब से कोई भी लाइट आप चुन सकते हैं, बट मेरा कहना यही है बिगनर फोटोग्राफर हैं पहले आप नेचुरल लाइट पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप लाइट खरीदने का प्लान कीजिए। आपको जवाब मिल गया होगा। मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो ये पूछा है मुझे, हेलो सर, आप मुझे बताएंगे कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कितना टाइम लगता है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए? सो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल किया है, आई डोंट नो आपने नाम भी नहीं लिखा अपना, खाली आपका नंबर आ रहा है। तो देखिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए कितना टाइम लगता है दोस्तों, टाइम क्या है, ये तो आप जब तक फोटोग्राफी करेंगे आपको सीखना ही रहता है। और जहाँ तक बात है प्रोफेशनल फोटोग्राफी का, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप फोटोग्राफी सीखिए, अगर आप सीख रहे हैं तो और सीखते जाइए, जितना आप सीखेंगे आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, जिसमें आपकी, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप वेडिंग से रिलेटेड अपनी इमेजेस को शूट कीजिए और अपना बढ़िया एक पोर्टफोलियो बनाइए। और फिर उसके पोर्टफोलियो पे जब आपको अगर काम मिलना शुरू हो जाता है तो आप समझिए कि आपकी गाड़ी जो है धीरे धीरे चल निकली है और आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह की एक उस राह पे निकल पड़े हैं। और अगर आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है और लोग आपका काम अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर आप अपना और अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, जिससे कि आप बड़े क्लाइंट्स को, बड़े वेडिंग्स को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी सीख रहे हैं तो आप उनको पिच कर सकें, या अगर आप एक फैशन फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं तो आप उस तरह की इमेजेस क्लिक कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए जो ऑलरेडी अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं उनकी फोटोग्राफ से आप अपनी फोटोग्राफ्स को कंपेयर कीजिए। और आपको लगता है कि अभी आपकी फोटोग्राफी में थोड़ी कमी है तो आप और मेहनत कीजिए, देर सवेरे आप अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाएंगे। टाइम जो लिमिट है दोस्तों वो मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि मैं आज भी, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए फोटोग्राफी करते हुए, लेकिन मैं अभी भी जो है अपने आप को बिल्कुल एक स्टूडेंट ही मानता हूँ और रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। सो आई डोंट नो टाइम कितना लगेगा, बट इतना मैं जरूर कह सकता हूँ अगर आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल लेवल की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएंगे। तो बस मेहनत करते रहिए, जिस तरह की भी फोटोग्राफी पसंद है वहां पर आप बहुत अच्छे से काम कीजिए, डेफिनेटली आप बहुत तरक्की करेंगे। अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों, और ये अगला सवाल जो है ये मुझे पूछा है, ये कोई मिस्टर रोहित हैं, इन्होंने अपना नाम लिखा है। सर मैं रोहित हूँ छत्तीसगढ़ से, और सर मुझे ये पूछना है क्या छोटे शहरों में ई कॉमर्स फोटोग्राफी की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो सर मैं क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करूँ? तो ये बड़ा अच्छा सवाल किया है रोहित आपने। देखिए बिल्कुल छोटे सिटीज़ में और बड़े सिटी, अगर आप किसी, आप छत्तीसगढ़, आई डोंट थिंक सो कि कोई छोटा है ये, और अगर आप किसी छोटे शहर से बात कर रहे हैं, आप छोटे शहर में रहते हैं, तो आपको बिल्कुल, आप ई कॉमर्स कर सकते हैं वहाँ पे। और क्लाइंट्स दोस्तों आज इंटरनेट का ज़माना है, आप अपना अच्छा सा एक वेबसाइट बिल्ड कीजिए, आप उस तरह की इमेजेस, आप सैम्पल इमेजेस अपनी वेबसाइट में डालिए और आप धीरे धीरे अपने, जैसा कि अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपका पोर्टफोलियो ही सब कुछ होता है, वही देख के लोग आपको काम देते हैं। तो आप अपनी पिक्चर्स पे काम करते रहिए, और आज इंटरनेट का ज़माना है, अपनी वेबसाइट को प्रमोट कीजिए, आप अपने फेसबुक पेज को, आपके इंस्टाग्राम के पेज को,
और आपके आसपास या जो लोग भी ई कॉमर्स की फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं या जो लोग भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आपकी सिटी में, आप जाके उन्हें मिलिए, उन्हें अपना काम दिखाइए, तो डेफिनेटली जो है आज ई कॉमर्स हर छोटे शहरों में भी हो रहा है और बड़े शहरों में हो रहा है। और दूसरी चीज़ एक मैं और बता दूं, आप भले ही छोटे शहर से भी हों तो जो लोग बड़े शहर में ये काम कराते हैं वहाँ भी आप अपना काम भेजिए, क्योंकि काम की वैल्यू है दोस्तों। छोटा बड़ा शहर मैटर नहीं करता, अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो लोग आपको वहाँ से भी बुला लेते हैं। एक फोटोग्राफर आज के टाइम में दोस्तों पूरा जो है पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है, चाहे वो छोटे शहर से हो या बड़े शहर से। काम के लिए लोग आजकल एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपकी फोटोग्राफी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है अच्छे असाइनमेंट्स को लेने के लिए। सो ई कॉमर्स फोटोग्राफी में अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं और क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्लाइंट ना केवल आपको अपने शहर में मिलेंगे बल्कि आपको पूरे इंडिया में आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ज़रूरत है आपको बस अपनी अच्छी फोटोग्राफी उनके सामने दिखाने की, ताकि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो कि आप इस तरह की पिक्चर्स जो है अच्छे से शूट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, और ये मैं चलिए दोस्तों थोड़ा ख़त्म करता हूँ आज का सेशन। अगला सवाल जो है मुझे पूछा है किसी ने, ये दिल्ली से हैं और इन्होंने लिखा है कि सर मैं अभी मेरा मैंने एक फ़ोटोग्राफी कोर्स किया है अपना और मैंने कुछ पिक्चर्स जो हैं शूट किए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं वेबसाइट कैसे बनाऊं और वेबसाइट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और वेबसाइट से बिज़नेस मुझे कैसे मिलेगा। तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा सवाल है सभी फोटोग्राफर्स के लिए। वेबसाइट एक जो है एक तरह की इंटरनेट शॉप होती है जिससे वो पूरी दुनिया में सबके साथ जुड़ जाता है। तो अगर आपको वेबसाइट बनानी है दोस्तों तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको एक डोमेन लेना होगा, वो शायद आजकल 400-500 रुपए में मिल जाता है। और आजकल जो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ गई है कि आप अपने घर बैठ के ही जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो आप अपने घर बैठ के अपनी वेबसाइट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको किसी डिज़ाइनर को हायर करने की ज़रूरत नहीं, आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने शायद ये बताया भी आपको। तो आप इस तरह की वेबसाइट को ढूंढिए जो जो कि एक रेडी मेड जो टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, तो आप बहुत जल्दी वेबसाइट अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। और वेबसाइट बनाने का जो खर्चा है दोस्तों वो ज़्यादा नहीं आता है। आपको डोमेन नेम लेना होता है वो 500-700 रुपये में बन जाता है, और जो रेंटल होता है जिस यानी कि जिस सर्वर से आपकी वेबसाइट रन होती है वो भी शायद महीने का 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का होता है। तो ज़्यादा महंगा नहीं होता दोस्तों वो। और जो डिज़ाइनिंग का काम है वो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद आपको वो काम करना नहीं आता तो आप किसी थर्ड पार्टी से या जो इस काम में स्पेशलाइज्ड हैं आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, वो आपके लिए काम करके दे देंगे। लेकिन ये चीज़ आपने बहुत अच्छी सोची, क्योंकि आपने भी कोर्स किया और आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो आप बहुत जल्दी लोगों से जुड़ोगे। और आपको सिर्फ आपको अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट्स को सिर्फ ये बोलना है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस ये है, तो वो कहीं से भी आपका काम देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू दोस्तों। तो आज के लिए एक छोटा सा वीडियो यही था, मैंने थोड़े रैंडम क्वेश्चंस उठा लिए थे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे सर आप क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों आई एम वेरी वेरी सॉरी, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है सबको जवाब देना। अब व्हाट्सएप पे भी क्या होता है दोस्तों, लोग मैसेजेस भेज देते हैं हेलो हाय करके और वहाँ पर नाम भी नहीं लिखते, तो मुझे पता नहीं होता कि आप कहाँ से हैं, क्या आप कौन हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं दोस्तों। तो आई एम वेरी सॉरी मैं सबका जवाब नहीं दे पाता, इसलिए मैंने एक वीडियो बना लिया। और कोशिश मैं करता हूँ इवन यूट्यूब पे जब आप कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जवाब देने की। लेकिन अगर किसी कारणवश मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप ये मत समझना कि मैंने जानबूझ के नहीं दिया। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वीडियो बनाना फिर उसे अपलोड करना उसके बाद अपनी फोटोग्राफी का काम करना, तो सारा दिन जो है इसी में निकल जाता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाता है कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।